हाय वीरोन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्त, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे हाउ टू अपलोड मल्टीपल इमेजेस एंड स्टोर इन डाटाबेस यूजिंग पीएचपी। एक से ज़्यादा इमेज को कैसे एक साथ अपलोड करेंगे, उसके साथ डाटाबेस पे स्टोर करके फोल्डर पे सेव करेंगे, इस वीडियो पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा डाटाबेस है जिसका नाम मल्टी अंडरस्कोर डीबी। इसके अंदर एक टेबल है टेक्निकल इन्फो अनिल अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, उसके अंदर दो कॉलम है आईडी इमेजेस। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड करूँगा तो देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली। देखिए डाटाबेस पे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। अगर फोल्डर पे चेक करेंगे तो देखिए इसमें भी सब है। ठीक है, कैसे सारे काम हो रहा है अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले टेबल को मैं यहाँ पे एम्प्टी कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा डाटाबेस का नेम है जिसका नेम मल्टी अंडरस्कोर डीबी। इसके अंदर एक टेबल है टेक्निकल इन्फो अनिल अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, इस टेबल के अंदर दो कॉलम है, एक आईडी दूसरा इमेज नेम। ठीक है, सबसे पहले डीबी कनेक्ट करना है। ठीक है, देखिए डीबी अंडरस्कोर पीएचपी एक पेज मैंने क्रिएट किया। सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, डाटाबेस का नाम मल्टी अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, डॉलर कन इक्वल माइस्कल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, सर्वर नेम यूजर नेम पासवर्ड डाटाबेस का नेम। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया चेक करने के लिए। अगर आप चाहे तो इस प्रकार चेक कर सकते हैं डाटाबेस कनेक्ट हुआ और नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट करके चेक करूँगा तो देखिए डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, डाटाबेस पहले कनेक्ट करना है, इस प्रकार डाटाबेस पहले कनेक्ट करना है। देन सिंपल एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे देखिए सिंपल देखिए फॉर्म देन एक्शन किस पेज को रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, देन मेथड मेथड यहाँ पे पोस्ट, देन ई एन सी टाइप बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फाइल अपलोड कर रहा है तो ई एन सी टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डाटा होना जरूरी है। अगर आप फॉर्म में फाइल अपलोड कर रहा है तो ई एन सी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा होना जरूरी है। ठीक है, देखिए देन एक इनपुट फील्ड फाइल के लिए ऐड किया। ठीक है, इनपुट टाइप फाइल नेम इमेज फाइल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए अगर एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को रखना है। ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव करके यहाँ पे कोशिश करता हूँ एक से ज़्यादा इमेज को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा इमेज सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ होना ज़रूरी है। अगर मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करना है तो इस चीज़ को यहाँ पर रखना ज़रूरी है। ठीक है, परफेक्ट। देखिए देन नेम इमेज फाइल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सबमिट के लिए एक बटन यहाँ पे मैंने ऐड किया अपलोड के लिए, तो इनपुट टाइप सबमिट नेम अपलोड इमेज बीटीएन वैल्यू अपलोड इमेज। ठीक है, क्लास बीटीएन बीटीएन सक्सेस। ठीक है, देन पीएचपी स्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले डीबी कनेक्ट करना है, यहाँ पे डीबी को इंक्लूड करना है इस पेज पे, इंक्लूड डीबी अंडरस्कोर पीएचपी। ठीक है, देखिए यहाँ पे देन यहाँ पे इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अपलोड इमेज बीटीएन देन अपलोड फोल्डर। देखिए यहाँ पे जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया इसके अंदर देखिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है मल्टी अंडरस्कोर अपलोड। ठीक है, मल्टी अंडरस्कोर अपलोड्स। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर सारे इमेज सेव होगा। ठीक है, देन फॉर इच लूप यहाँ पे रोटेट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर इच यूज किया। ठीक है, टी एम पी अंडरस्कोर नेम का मतलब है टेम्पररी फाइल का नेम है, दूसरा जो फाइल इमेज का नेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉलर की इक्वल राइट एरो इमेज डॉलर इमेज। यहाँ पे देखिए रिजल्ट यहाँ पे जो मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल ये पीएचपी का इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है। सबसे पहले डॉलर इमेज टी एम पी नेम, टेम्पररी फाइल का नेम, देन कॉमा डॉलर अपलोड फोल्डर, जिस फोल्डर पे इमेज स्टोर होगा, देन कनकेट डॉलर इमेज, ठीक है। देन यहाँ पे क्यूरी क्या होगा, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम है, यहाँ पे टेबल का नेम क्या है, टेक्निकल इन्फो ऑनिल अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। सेट इमेज नेम इक्वल, सेट इमेज नेम कॉलम का नेम जो है, ठीक है, इक्वल सिंगल कोटेशन इमेज नेम डॉलर इमेज नेम, अगर इमेज अपलोड हुआ तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज दिखाई देगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे एरर इन सेविंग इमेज डॉलर कन एरर दिखेगा, ठीक है। देखिए इको स्क्रिप्ट अलर्ट इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, अगर इमेज सक्सेसफुली अपलोड हुआ तो, अगर नहीं है तो यहाँ पे एरर का जो मैसेज है शो होगा कि इमेज अपलोड नहीं हुआ। अभी हम अपलोड करके देखेंगे इमेज अपलोड हो रहा है और नहीं, ठीक है। सिलेक्ट किया अपलोड, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, सब रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए इमेजेस के साथ एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड हुआ, ठीक है। आप इस प्रकार पीएचपी में मल्टीपल इमेज को अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो के साथ मिलेंगे।